पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं जीएस। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबर। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। परिजनों ने पुलिस को बताया कि प्रेमिका ही युवक को रात में कॉल कर बुलाई थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। उसकी हत्या गला रेत कर कर दी गई है। गैस से भरा टैंकर पलटा, NH2 पर आवागमन बाधित। कैमूर जिले में दुर्गावती थाना क्षेत्र के दुर्गापुर में लखनऊ जा रहे इंडियन गैस से भरा टैंकर सड़क पर एम्बुलेंस को पास देने के दौरान पलट गया, जिससे आवागमन बाधित रहा। गैस टैंकर पलटने की सूचना मिलने के पर पहुंची NHAI ने दोनों तरफ ट्रैफिक रुकवा कर टैंकर को सीधा करवाया। इस दरमियान NH2 पर 10 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। बेअसर है किसान आंदोलन, लेकिन बीजेपी ने चौपाल से शुरू की सियासी खेती। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान कृषि बिल के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बिहार में आत्मनिर्भर किसान का पोस्टर लगा रही है। बीजेपी इस पोस्टर के माध्यम से अपनी सियासत फसल उपजाने में लगी हुई है। बिहार के किसानों को नाराज नहीं कर मुख्यालय के निर्देश के बाद एसएन में जवान और अधिकारी रात्रि गश्ती करते हुए एसएसपी। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने तमाम जिलों में डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर क्राइम कंट्रोल को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके आलोक में पुलिस मुख्यालय के द्वारा एसएसपी स्तर से लेकर आईजी स्तर तक अधिकारियों को नाइट पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया। ट्रक से 30,000 रुपए और मोबाइल की चोरी, तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कामाख्या पेट्रोल पंप पर एक एसोसिएशन के प्रवक्ता गोपालपुर के डिमहा निवासी बबलू मंडल के ट्रक से अज्ञात चोरों ने 30,000 रुपए और एक मोबाइल चुरा लिया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने मामले की छानबीन की। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। मुखिया ने युवक को मार डाला, पिता को पेड़ से बांध कर उनके सामने बेटे को इतना पीटा कि उनकी हो गई मौत। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कोला नारायणपुर में पिता को पेड़ से बांधने के बाद उसके सामने बेटे की इतनी पिटाई की गई कि अधमरा हो गया। बाद में अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक प्रदीप यादव का बड़ा बेटा 25 वर्षीय शेखर यादव बताया जा रहा है। परिजन की हत्या का आरोप सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव पर लगाए हैं। चरण में बिहार के हिस्से में 7 लाख कोरोना वैक्सीन, एक व्यक्ति को मिलेगी 2 डोज। बिहार में जल्द ही कोरोना वैक्सीन की खेप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि पहले फेज में 6 से 7 लाख की संख्या में वैक्सीन बिहार आने वाली है। इसके भंडारण के लिए जरूरी इंतजाम करने का निर्देश दिया। पिटाई से इंजीनियर की मौत का मामला, आरोपी थाना अध्यक्ष को किया गया बर्खास्त। पुलिस की पिटाई से इंजीनियर आशुतोष की मौत के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आशुतोष की पिटाई के आरोप में बीरपुर के पूर्व थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार मंडल को बर्खास्त कर लिया गया है। DIG सुजीत कुमार ने उसके खिलाफ एक्शन लेते हुए बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। 24 अक्टूबर को बीरपुर थाने की हाजत में आशुतोष कुमार पाठक को बंद कर पुलिस ने पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मिले कोरोना के 500 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 24,23,048। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 500 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,32,048 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,741 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए। पत्नी को ही जुए में हार गया पति, जाने से इनकार करने पर हैवान पति ने महिला के प्राइवेट पार्ट में डाल। कलपुर के हसनगंज की यह घटना बताई जा रही है। जिस पति जब पत्नी को जुए में हार गया, तब महिला जब जुआरियों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो हैवान पति ने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल दिया। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार।
ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।